Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my another YouTube video. This time, I am going to share with you sample papers of Don Bosco School, New Delhi. So I am sure that you all are aware why am I bringing all these papers in front of you is to help you diversify your question bank. Okay? So अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन शेयर किए थे बिकॉज आई एम इन भोपाल तो मैंने भोपाल के स्कूलों के क्वेश्चन शेयर किए थे बट दिस वन इज ऑफ न्यू दिल्ली. I'm Suchi Agrawal. I have 9 years of experience in offline teaching. If you're interested in knowing more, you can refer to this slide. Also, you can connect me through various social media platforms. So this is a PDF of Don Bosco School and I'm going to share this with you now. Okay, so this is a question paper of Don Bosco School, Delhi, and this is a sample paper and the time is going to be for 3 hours. It's a mathematics paper. So I really want कि अगर आपके paper नहीं हुए अभी तक mathematics का class 10 का paper नहीं हुआ है so please try to attempt this question and try to see कि कितने questions आपको बन रहे हैं, कौन सा ऐसा part है जहाँ पे आपको और preparation करनी है अभी. Okay? So, इससे आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो. एट द सेम टाइम एनालाइज भी कर सकते हो कि अभी तक हमारा कितना कोर्स हो गया है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमें थोड़ा और थोड़ा और एफर्ट्स करने हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं. सो वी विल स्टार्ट विद पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सेक्शन 1, इट कैरीज 1 to 16 क्वेश्चन विच आर ऑफ 1 मार्क्स ईच. फर्स्ट वन, इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू बेसिकली फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड यू हैव टू लाइंस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3 एंड 15x प्लस 21y इज इक्वल टू के एंड दीज लाइंस आर टू बी कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, बेसिक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस. वेरी बेसिक. क्वेश्चन नंबर 3, इफ 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 and 131x plus 217y is equals to 827, find the value of x plus y. Again, in scope आप easily solve कर सकते हैं, substitution, elimination, किसी भी method से x plus y की value निकाल सकते हैं. Question number 4, find the value of k, for which the equation for x square plus kx plus 3 is equals to 0 has equal roots. Again, very easy part. ना NCERT करी है basic, तो आपको पता है equal roots के लिए क्या condition है, and you can easily solve this question. What will be the nature of the roots of the quadratic equation 2x square plus 4x minus 7? ये भी easy है. Roots के nature बताना है आपको. Question number 6. The sum of a number and its reciprocal is 2. Find the number. Very easy. So इसमें आप हाँ question number 6 में आप number जो है उसको x ले सकते हो. तो x plus 1 by x आपका 2 हो जाएगा. उससे आप easily इसको solve कर लेंगे. 7. If the nth term of an AP -1, 4, 9, 14 is 129. Find the value of n. Basic AP का क्वेश्चन है. हमें जो भी हमारे AP के फॉर्मूले हैं AN वाला फॉर्मूला लाके इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Find the sum of the first 20 terms of the AP whose nth term is given as AN is equals to 5 minus 2. So AN वाली टर्म है आपके पास. You have to find the first 20 terms. Again easy. No, इसी में A1 पुट कर लोगे, A2 पुट कर लोगे तो आपके पास टर्म्स आती जाएंगी. ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन है. 9th क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी सो दैट द नंबर्स ए कॉमन 7 कॉमन बी कॉमन 23 दे आर इन एपी. ये भी है, इसमें ऑलरेडी बता दिया है ये एपी में एंड यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है. हो जाएगा ये भी आसानी से, दोनों में आप डी निकालोगे एंड देन उसको इक्वेट कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 10, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपके पास ये ट्राइंगल है इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है. इजी क्वेश्चन. 11th, a boy of height 95 cm is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.5 meter per second. The lamp post is 3.8 meter tall. Find the height of his shadow after 5 seconds. तो ये भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे हाइट दी है बॉय की, लैम्प पोस्ट की हाइट है, स्पीड दी है, तो हम इजीली इसकी शेडो की भी लेंथ निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड दे आर सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश. अगेन बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए -6, 10 एंड बी -3, -8. ये भी इजीली हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला लगा के आप इसको कर सकते हो.
Question number 14. Find the distance of the point P -6.8 from the origin. तो origin को 0, 0 लेके आप इसका distance formula लगा के easily solve हो जाएगा. Question number 15. In the right triangle ABC, right angle at A, angle B is to angle C is 1:2. So basically एक right angle है जिसमें B और C का ratio है 1:2. तो आपको tan भी निकालना. ये भी इजी क्वेश्चन है. 1:2 आप इसको 1:2x ले सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो. 16. If sin A is equals to root 3 by 2 and tan B is equals to 1 by root 3, find the value of cos A minus B. इजी है. sin A है, tan B है, इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप एक ट्राइंगल बना के cos की भी वैल्यू निकाल सकते हो, देन इसको सॉल्व कर सकते हो. 2. So section 2 we have a case study based question and each subpart it again carries 1 mark. Read the following and answer the following. So it is common that the government revise travel fares from time to time based on various factors such as inflation, a general increase in prices and fall in purchasing value of money on different types of vehicles like auto rickshaw, taxis, radio cabs, etc. So the auto charges in a city comprises of a fixed charge together with the charge for a distance covered. अब इसके लिए सिचुएशन है, सपोज सिटी ये है जिसमें जर्नी हो रही है 10 किलोमीटर, चार्ज पे कर रहे 75, एंड अगेन एक सिचुएशन है जर्नी है 15 किलोमीटर, चार्ज है 110. ठीक है, सिचुएशन टू भी है बट फर्स्ट सिचुएशन वेरी इजी है. इसमें आपको क्या करना है, देखो फिक्स चार्जेस जो है वो क्या दिए हैं, एक्स है, देन चार्जेस पर किलोमीटर हमारे पास है वाई. इन दोनों का यूज करके हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ये तो हम उधर ही कर सकते हैं बिकॉज फिक्स चार्ज x है, तो x प्लस 10y विल बी इक्वल टू 75. या तो ये वाली इक्वेशन जो है ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर है. नेक्स्ट, तो अब आपके पास इक्वेशंस आ गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे. तो इस केस में कितना अमाउंट पे करेगा, अगेन हमारे पास डिस्टेंस है, इक्वेशंस भी, उसको सॉल्व करके हम इजीली इसको बता सकते हैं. सिचुएशन टू, देखो जिस तरीके से सिचुएशन वन थी उसी तरीके से सिचुएशन टू भी क्रिएट कर दिया है, दैट 8 किलोमीटर की जर्नी है, चार्ज है 1191, देन जर्नी है 14 किलोमीटर, चार्ज है 145. अगेन इजीली इसको सॉल्व हो जाएगा. ओके, एंड देन वो पूछा है इन विच सिटी द फेयर इज एक्सपेंसिव. तो हमारे पास जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो हम बता देंगे कि सिटी में से कौन सा एक्सपेंसिव है कौन सा नहीं. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. Biking is very popular activity whether it is riding on the plains or on mountains. Two bike riders start in the same direction from the same place. The first rider rides with a uniform speed of 30 km/h. The second rides at a speed of 25 km/h in the first hour and increases the speed by 0.5 km/h in the each succeeding hour. Assume that both the drivers ride non-stop and the second rider overtakes the first rider in 2 hours. तो ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको कर सकते हो. सी एज पर माई अंडरस्टैंडिंग यू नो जो ये वाला जो पेपर है डॉन बॉस्को का, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, लाइक हम बोलेंगे मॉडरेट है या इजी वाले पैटर्न्स में आता है. ओके, सो इस पेपर को इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप इसको आसानी से कर सकते हो. And if you want the PDF of this particular video, then you can also be a part of our channel, which is in the Telegram channel, and its link jo hai wo description mein mention hai. So distance covered by the rider, first rider in TRs. Ye aapko distance batana hai, second rider ka bhi distance batana hai TRs mein. So I hope that you all are really liking this initiative, jahan pe where I am bringing with you in front of you different papers from different school. So agar maza aa raha ho, agar aapki actually mein kuch growth mein help ho rahi ho, so do like, share and subscribe to this channel. At the same time do comment, you know, let me know ki aapko kaisa lag raha hai, kaun si part aapko सबसे अच्छी लग रही है वीडियो की, या इफ यू वॉन्ट द आंसर्स ऑफ दिस वीडियो, इफ यू वॉन्ट प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक एज वेल, सो डू लेट मी नो, है ना, जस्ट कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड जस्ट लेट मी नो. सो दिस क्वेश्चन नंबर 18 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए बी 25 प्लस 1 बाई 2 25 प्लस 1 25 प्लस 3 बाई 2. इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं. 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द नेपी. ये हमें पता है कौन सी इसमें 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होती हैं. वेरी इजी क्वेश्चन, लाइक इसमें कुछ
बात नहीं है ये, तो हम बता ही सकते हैं दैट ए माइनस डी ए प्लस, देखते से ही आंसर पता चल जाएगा। 19th क्वेश्चन है अगेन, 19th क्वेश्चन इज टू ऑब्जर्वेशन टावर्स ए वन बी वन ए टू बी टू 8 मीटर 10 मीटर टॉल रिस्पेक्टिवली आर ऑन ईदर साइड ऑफ अ 50 मीटर हाई ऑब्जर्वेशन टावर पी क्यू। तो आप देख रहे हो ऑब्जर्वेशन टावर है पी क्यू, इसके साइड में हमारे पास ए वन बी वन और ए टू बी टू करके दो टावर्स हैं, ऑब्जर्वेशन टावर्स। पॉइंट सी एंड डी आर चूजन ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड फॉर द बेस 10 सच दैट दे आर 12 एंड 18 मीटर अवे फ्रॉम द टावर्स ए वन बी वन एंड ए टू बी टू। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे सी है जो 12 किलोमीटर दूर है एंड यहाँ पे डी है जो 18 किलोमीटर 18 मीटर दूर है, सॉरी। सो रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 19-1 ट्राइंगल सी ए वन बी वन, सी ए वन बी वन कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जो है ये सिमिलर टू, अभी बताना है आपको ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है। ओके देन 19 बी वन पी, बी वन पी, बी वन पी ये बी वन पी मीटर से किसकी इक्वल होगा, तो ये भी ट्राइंगल्स का है, देखो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो उसको, यहाँ से देखना है ये 50 है ये 8 है ये 12 है, तो इस रिस्पेक्ट में आप इसको निकाल सकते हो, है ना। सिमिलरली 19-3 है दैट बी टू पी का मेजर कितना होगा एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स ए वन बी वन एंड ए टू बी टू, ये देखो ए वन बी वन क्या है हमारे पास, ए वन बी वन एंड ए टू बी टू के बीच का डिस्टेंस पता, हमें बी वन से लेके बी टू का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सो 20 क्वेश्चन में हमारे पास, 20 क्वेश्चन तो एज इट इज एनसीईआरटी का है ना, सिटी स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट इवेंट इन अ रेक्टेंगुलर शेप गार्डन ए बी सी डी, द ट्रैक्स आर बीइंग मार्क्ड विद अ गैप ऑफ 1 मीटर ईच इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस, 100 फ्लावर पॉट्स हैं, दे आर प्लेस्ड इन डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग ए डी, निहारिका रन्स 1 फुट ऑफ द डिस्टेंस इन द सेकेंड लाइन अलोंग ए डी एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, Preet runs 1/5 of the distance AD in the 8th line and posts a red flag. So you have to find the coordinates. This is an easy question, I believe, because NCERT का direct question है, आप इसको आराम से solve कर सकते हो. As per my expectation, because I am expecting कि since अभी paper चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो आपने NCERT का basic तो complete कर ही लिया होगा. Okay? So section number 3, 1 mark each है again. तो यहाँ पे क्या है 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन, अगेन बेसिक। 22, अरुणा हैज ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन विद हर, इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैड इज 50 एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75 देन द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स शी हैड, अगेन बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, तो हमें यहाँ पे बेसिकली ए एंड बी की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, एक्स की जगह ए पुट करो, वाई की जगह बी पुट करो दोनों इक्वेशन में और सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन सॉल्व कर दो, जल्दी से फटाफट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 देन आपको क्या फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। 25, इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस bx प्लस 4 इज 0 इज 2, एक रूट दी है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। 26, टू ABs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए बी इज -1 एंड सेकेंड वन इज -8 देन द डिफरेंस ऑफ द 100 टर्म इज, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। विच टर्म ऑफ द ए सी दिस मच इज 0, तो ए बी सी है, ए एन को 0 लेके पुट करो एंड उससे आपको एंथ आराम से निकल जाएगा। 28, अ वर्टिकल टावर वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 19 मीटर इट कास्ट अ शैडो 57 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 51 मीटर लॉन्ग, द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट निकालनी है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 29, गिवन फिगर है क्या हमारे पास, डी जो है ए सी के पैरेलल है एंड डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, ठीक है, तो इसमें बी ई अपॉन एफ ई, तो बी ई अपॉन एफ ई किसके इक्वल होगा, सिंगल ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, हो जाएगा। 30 क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ई, एंगल ए की वैल्यू दी है, एंगल सी की वैल्यू दी है, कुछ इनमें और भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है दैट ए बी इज इक्वल टू 5, ए सी इज इक्वल टू 8, डी एफ इज इक्वल टू 7.5 एंड देन इसमें से बाकी वैल्यूज पूछी गई। 31,
The end points of a diameter of the circle are 2.4 and minus 3, comma minus 1. The radius of the circle is, again, distance formula says for solve the circle. Distance of the point P, 2 comma 3 from y axis is basic question. Then 33 question kya 1 upon 10a plus cot a. Iski value nikalni hame. Hai na, ye bhi easy hai. 10a cot a ko sin cos mein aap rakho and then usko solve karo. Aap kar loge isko. 34th क्वेश्चन जो है इसमें भी हमारे पास कुछ वैल्यूज है, ए डी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू है, सी बी की वैल्यूज है. देन हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना. साइन थीटा आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दिए हैं, ए डी, बी डी, सी बी, इनको रख के आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो. 35th, इफ टैन ए, 4 टैन ए इज इक्वल टू 3, देन इसकी वैल्यू निकालनी है. तो टैन ए की वैल्यू हो जाएगी 3/4. एंड सिमिलरली 3/4 से क्या होगा, आप एक इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लोगे. ट्राइंगल में आपके पास टैन ए की वैल्यू है तो कॉस ए साइन ए की वैल्यू भी निकाल लोगे. तो वो सारी वैल्यूज जो है इसमें पुट कर दो एंड देन इसको सॉल्व कर दो, है ना. सिमिलरली 36 क्वेश्चन जो है, 2 cos 3 = 1, दिस इज ऑल्सो यू विल बी एबल टू सॉल्व. सेक्शन 4, 2 marks ईच है. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0. 38 में क्या है, शो दैट इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन एक्स ब्रैकेट a² + b² - 2ac + bdx + c² + d² = 0 आर इक्वल. हमें बताना है दैन ad = bc. क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी. अगर उसकी nth टर्म दी है, कि इसी टाइप का क्वेश्चन ने पहले भी पूछा था तो हो जाएगा. 40 में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके वर्टाइसेस दे दी. Determine the vertices which contains the right angle of the triangle with this and this. So vertex निकालने आपको और इसके coordinates इन लोगों ने देके रखे, ठीक है. Question number now, yeah, section 5th पे आ गए हम. A train traveling 360 km at a uniform speed. ये तो basic NCERT का. If the speed have been 5 km/h, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed. हो जाएगा. 42. The sum of the first 3 terms in an AP, sorry, is 18. The product of first and third term is 5 times the common difference. Then find the 3 numbers. And 43 है, 10 theta plus 1 by 10 theta 2 है. So हमें इसकी value निकालनी है. तो इसको ये ऐसा लग रहा है पर ये easy है. 10 theta को ना आप x लेके solve करो. और आपको ध्यान होगा आपने ये solve किया है. x plus 1 by x की अगर value दी रहती है, तो x² + 1 by x² की value कैसे निकालते हैं? आदेश में इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इजी है. अगर 10 थीटा को आप एक्स लेके सॉल्व करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी सेक्शन 6 आ गया है. दैट अ प्लेन लेफ्ट 13 मिनट्स लेट देन इट्स स्केड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर/h फ्रॉम द यूजुअल स्पीड. यू हैव टू फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड. 45, prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides जो हैं, ये divide in the same ratio में. 46 में अगेन हमें प्रूफ करना है cos theta minus sin theta plus 1 upon cos theta plus sin theta minus 1. ठीक है, तो ये भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है. अच्छा, वेरी अच्छी बात जो ये है इस पूरे PDF में कि आपको आंसर्स भी प्रोवाइडेड हैं. सो आप सॉल्व करने के बाद इन सारे आंसर्स को रेफर कर सकते हो. एंड एंटायर PDF जो है, ये एंटायर PPT जो है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी. सो आई होप यू आर वेरी लाइकिंग दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू, बाय.